रामनवमी को लेकर सोमवार को भागलपुर में भगवा क्रांति की ओर से निकाले जाने वाले शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए शहर के घंटाघर चौक पर राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं लोकसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता के बीच प्रशासनिक अनुमति के साथ राम भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा घंटाघर चौक से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। वहीं शोभा यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोगों ने शामिल होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, राम भक्त हनुमान और अयोध्या धाम से जुड़ा जयकारा लगाया, जबकि शोभा यात्रा को लेकर शहर में जगह जगह भगवा ध्वज लहराता दिखाई दिया। इधर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे शोभा यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जगह जगह पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और बैंड बाजे के साथ भगवान राम के रंग में रंगे सभी भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं इस वर्ष की शोभा यात्रा में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित की गई रामलला के राघव स्वरूप की प्रतिमा आकर्षण का मुख्य केंद्र रही, जिसे देखकर राम भक्तों का उत्साह और अधिक बढ़ गया और सभी आम और खास लोग भगवा एवं प्रभु रामलला के रंग में रंगे दिखे। एक और जहां राम मंदिर निर्माण के बाद की पहली रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा में भक्तों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया, वहीं जय श्री राम जय बजरंगबली जैसे प्रभु राम से जुड़े भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते नाचते दिखाई दिए। वहीं पूरा भ्रमण मार्ग हजारों की संख्या में पहुंचे राम भक्तों से केसरियामय दिखा। बता दें कि भगवा क्रांति की ओर से रामनवमी को लेकर चौथी बार यह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्तों ने भगवा ध्वज लहराते हुए हिस्सा लिया और प्रभु राम का जयकारा लगाया। वहीं इसको लेकर भगवा क्रांति के पदाधिकारियों ने कहा कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बाद पहली बार यह रामनवमी का यह अवसर आया है और देश भर में रामनवमी को लेकर पूरा उत्साह और भक्ति का माहौल है। साथ ही कहा कि चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पहले से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान प्रभु राम के जयकारे से पूरा शहर गुंजायमान हो रहा है। वहीं इसके अलावा किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था नहीं फैले, इसके लिए भी प्रशासन का सहयोग करते हुए चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की बात कही गई। जय श्री राम। हम सब राम भक्तों के 500 सालों का जो एक लंबा संघर्ष था, उस संघर्ष को हम लोगों ने जीता है और उस जीत की खुशी आप देख पा रहे हैं, युवाओं में दिख रही है कि किस तरीके से गर्भगृह में प्रभु श्री राम के जाने के बाद ये पहली रामनवमी होगी जिस रामनवमी को हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रतिमा बनाई है, ये प्रतिमा भी आप देख पा रहे हैं कि ठीक वैसी ही है जैसी कि रामलला की अयोध्या में स्थापित की गई है, और ये जोश और खरोश के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि साजो सज्जा बैंड पार्टी ढोल ताशे ध्वजा के साथ हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं। हम लोगों का जो ये मार्ग है घंटाघर से अभी हम लोग प्रारंभ करेंगे, आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं मड़वाड़ी पाठशाला के पास महाआरती का जो आयोजन किया गया है, उसके बाद हम लोग वैरायटी चौक खलीफाबाग होते हुए जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए हम स्टेशन चौक पहुंचेंगे, वहां से उल्टा पुल होते हुए पटेल बाबू रोड होते पुनः हम लोग एक बार घंटाघर चौक से आदमपुर की ओर बढ़ेंगे और अंततः अपनी यात्रा को रोकने का कार्य जो है बूढ़ानाथ मंदिर में जाकर के करेंगे। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। भारत स्काउट और गाइड एनसीसी मोक्षदा गर्ल्स स्कूल, नवस्थापित जिला स्कूल क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल, मड़वाड़ी पाठशाला और डाइट भागलपुर समेत कई विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई रैली को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान DDC कुमार अनुराग और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत भागलपुर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के अलावा भारत स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारी ने भी मतदाता जागरूकता को लेकर लोगों को जागरूक होने की बात कही। रैली समाहरणालय परिसर से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई चौक, आदमपुर चौक और घंटाघर होते हुए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज परिसर पहुंची। वहीं जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भारत स्काउट गाइड एनसीसी और विभिन्न विद्यालयों द्वारा
रैली निकालकर सभी मतदाताओं को वोट करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा और आम लोगों को वोट की ताकत का पता चलेगा। डीएम ने कहा कि जिनकी उम्र वोट देने की नहीं है, वे बच्चे देशवासियों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही कहा कि 26 अप्रैल को सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचकर बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे आप सभी को लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत का पता चल सके। इस दौरान रैली में वोटिंग करने से जुड़ा कई नारा भी लगवाया गया। मौके पर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान जमाल मुस्तफा, डीपीओ माध्यमिक शिक्षा नितेश कुमार, स्काउट गाइड के जिला सचिव प्रवीण कुमार झा समेत काफी संख्या में अधिकारी कर्मी और स्काउट एवं गाइड के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और एनसीसी के द्वारा संयुक्त रूप से ये वो लोगों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ स्काउट एवं गाइड के ऑफिसर हैं और सभी छात्र छात्राएं सभी लोग हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उनने जिनकी उम्र छोटी है, जो वोटर लिस्ट में नहीं है, वो उनको जागरूक कर रहे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और जो बड़े हैं। तो ये बड़े लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब उन्हें हमारे सिपाही देश के ये हमें जागरूक कर रहे हैं, तो हमें अपने पूरी जोश से, पूरे उल्लास से और पूरे उमंग से इस मतदाता जो हमारा दिवस जो मतदान का हमारा कार्यक्रम है 26 अप्रैल को मतदान दिवस मतदान है हमारे यहाँ, उसमें हम सभी लोग भाग। भागलपुर के बरारी पुल घाट, बरारी सीढ़ी घाट, मुसहरी घाट, काली घाट, किरनी घाट, बूढ़ानाथ घाट समेत जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर सोमवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। गंगा घाट पर उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों के साथ भाग लिया। वहीं बरारी छठ घाट पर छठ व्रती के रूप में जगदीशपुर अंचलाधिकारी स्मिता कुमारी भी मौजूद रही, जो भगवान भास्कर का समर्पित भाव से पूजा कर रही थी। इस अवसर पर कई श्रद्धालुओं ने भी उनके सूप में अर्घ देकर मंगल कामना की। वहीं गंगा घाटों पर किसी प्रकार के हादसों से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की टीम के अलावा आपदा मित्र और गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। मौके पर काफी संख्या में छठ व्रती श्रद्धालु और पुलिस के जवान एवं गोताखोर मौजूद रहे। इधर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित अजगैबीनाथ धाम में 4 दिवसीय छैती छठ पूजा का समापन सोमवार को भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ हो गया। इस दौरान 4 दिवसीय चैती छठ पूजा के समापन पर सोमवार को अजगैबीनाथ गंगा घाट में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। छठ व्रती महिलाओं ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया और अपने परिवार के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। वहीं छठ पूजा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। इधर नगर परिषद सुल्तानगंज की ओर से गंगा घाट की समुचित साफ सफाई कराई गई थी। वहीं सुल्तानगंज अंचल पदाधिकारी के द्वारा गंगा घाट में एसडीआरएफ टीम को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। साथ ही थानाध्यक्ष प्रियरंजन की ओर से गंगा घाट और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी।